मई 2014 के बाद अचानक से डंका बजने लगा दुनिया भर में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159, 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाले लोगों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। टाइम मैगजीन ने ये फोटो छापी, इंडिया डिवाइडर इन चीफ, और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक रैली में कहा था, जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। When India speaks, the world listens. भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। पिछले महीने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने भी यही चीज कही थी, जब भारत बोलता है पूरी दुनिया सुनती है। इतना ही नहीं, पिछले साल जुलाई 2023 में भी बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा था, आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। इंटरनेशनल फोरम पर आज भारत बोलता है और लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। और इससे भी पहले अगस्त 2016 में उस समय की विदेश मंत्री लेट सुषमा स्वराज ने कहा था कि आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। यानी 2014 तक भारत की कोई नहीं सुनता था और 2 साल में ही दुनिया भारत की सुनने लग गई। वाह मोदी जी वाह, लोगों के अंदर गर्व भरने की आपकी निंजा टेक्निक तो कमाल की है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके डायलॉग तो ओरिजिनल लिखवा लेते। अब जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो मनमोहन सिंह जी के लिए कही गई थी, जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। और ये बात कही थी फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने। ओबामा ने कहा कि जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। यहाँ वो मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स की गहरी समझ की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है और दुनिया इस बात को जानती है। He understands that as India rises as a world power, that it also has enormous responsibilities to work with the rest of the world community around issues of peace and prosperity. लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं दोस्तों? WhatsApp और गोदी मीडिया पर फैलाए गए झूठ आपको बहकाते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि भारत 2014 के बाद विश्व गुरु बना है। ये बार बार आपसे कहा जाता है कि मोदी सरकार की वजह से फॉरेन में डंका बज रहा है भारत का। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करें, चुपचाप। लेकिन असलियत इसकी बिल्कुल उल्टी ही है। आइए जानते हैं सच्चाई आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, 20 मिलियन सब्सक्राइबर की ओकेजन पर जो सेल है ध्रुव राठी एकेडमी पर, उसमें अब सिर्फ 100 लोगों की और जगह बची है दोस्तों। कूपन कोड थैंक यू इस्तेमाल करने पर आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेज पर, चाहे आप टाइम मैनेजमेंट कोर्स में इंटरेस्टेड हो, मास्टर चैट GPT वाले में, या फिर यूट्यूब ब्लूप्रिंट का कोर्स जो आपको सिखाता है कि यूट्यूबर कैसे बनना है। इन तीनों कोर्सेज के QR कोड्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, नहीं तो इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब मुद्दे पर आते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में अपनी ओडिशा की रैली में कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कोणार्क के मंदिर को दुनिया भर में फेमस बनाया है। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे, इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अगर आप यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि कोणार्क मंदिर 1984 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था। यही चीज इन्होंने योगा के साथ करी है। पिछले साल राजनाथ सिंह ने कहा था कि योग को इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है और अब दुनिया हमारे देश का रिच कल्चर एक्नॉलेज कर रही है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने भी यही चीज कही थी, योग अब भारत की सॉफ्ट पावर बन गया है। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास की वजह से ही यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में प्रोक्लेम किया। इस बात के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन अब देखिए UN की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या लिखा है। 11 दिसंबर 2014 को इंटरनेशनल योगा डे प्रोक्लेम किया गया योग की यूनिवर्सल अपील को रिकॉग्नाइज करते हुए। तो क्या मई 2014 से पहले दुनिया में किसी को योगा के बारे में जानकारी नहीं थी और अगले 6-7 महीने में ही इसकी यूनिवर्सल अपील हो गई? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। असलियत देखिए क्या है, 2013 की इस फोटो को देखिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मयूर आसन कर रहे हैं और इस तस्वीर में कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके पिता पियर ट्रूडो यही आसन कर रहे हैं। 2007 का ये न्यूज आर्टिकल है, बाबा रामदेव ने पहली बार अमेरिका में योग करवाया। लेकिन अब इससे भी पीछे चलते हैं, ये फोटो देखिए। इन म्यूजिशियंस के बीच ये कौन आदमी है जो अपने सिर के बल खड़े हुए हैं? ये है यहूदी मेनुहिन, दुनिया के सबसे फेमस वायलिनिस्ट में से एक।
और यहाँ ये शीर्ष आसन कर रहे हैं। जानते हैं ये कैसे हुआ? 1952 की बात है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहूदी मेनुहिन को इंडिया में इनवाइट किया था। उन्होंने पंडित नेहरू से जिक्र किया कि उन्होंने एक बार योग के बारे में कोई किताब देखी थी। पंडित नेहरू तो खुद योग करते थे। यहाँ उनकी आप शीर्ष आसन करते हुए एक तस्वीर देख सकते हैं। तो पंडित नेहरू ने यहूदी मेनुहिन की मुलाकात कराई योगाचार्य BKS अयंगार से। मेनुहिन काफी स्ट्रेस में रहते थे तो अयंगार ने उन्हें शवासन के जरिए गहरी नींद में डाल दिया। 45 मिनट के बाद जब वो उठे तो उन्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि वो इतने रिलैक्स्ड हैं जितने पिछले 10-15 साल में रिलैक्स्ड फील नहीं किया है उन्होंने। मेनुहिन बड़े बिजी रहते थे, बार बार इंडिया में आना उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने अयंगार को यूरोप इन्वाइट किया। और कुछ इस तरीके से दोस्तों अयंगार ने दुनिया भर में लोगों में योगा को लोकप्रिय करना शुरू किया। ये सब 1960s से हो रहा था। ये एक और फोटो देखिए 1964 की, जहां अयंगार पंडित नेहरू के घर पर मेनुहिन को योग करवा रहे हैं। पश्चिमी दुनिया में योग की बात एक्चुअली में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने करी थी, लेकिन उन्होंने मेनली आध्यात्मिक रूप से इसकी बात की थी। जिसे हम कसरत के रूप में जानते हैं उसे हठ योग कहा जाता है। इसे फेमस करने में योगाचार्य BKS अयंगार के अलावा दूसरे कई योग गुरुओं का योगदान है, जैसे कि इंदिरा देवी, के पठाबी जोइस और रिचर्ड हिटलमैन, जो इंडिया से योगा सीख कर गए और 1961 पे अमेरिकन टेलीविजन में योगा करते हुए इसे अमेरिका में फैलाया। अगर बात करें पश्चिमी दुनिया में मेडिटेशन और इंडियन स्पिरिचुअलिटी के फैलाव के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद, जिद्दू कृष्णामूर्ति, ओशो, परमहंस योगानंद, अभय चरणावन, भक्ति वेदांत, इन सब लोगों का बहुत योगदान रहा। और साथ ही में एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ये वाला नाम काफी चौंकाने वाला है, फेमस अमेरिकन बैंड बीटल्स का। ये 1967 में लंदन में पहली बार महर्षि महेश योगी से मिले। अगले साल ही उनसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने इंडिया आए। ऋषिकेश में रहकर इन्होंने मेडिटेशन की और बहुत से गाने लिखे। Far from the noise and pace of city life, in the cool, clear air of Rishikesh, Pathy News reports from the meditation retreat of Maharishi Mahesh Yogi, the man who through transcendental meditation is currently bringing peace of mind to the Beatles. यहाँ इन्होंने पंडित रविशंकर को सितार बजाते हुए भी सुना और बाद में बीटल्स के बैंड मेंबर जॉर्ज हैरिसन उनसे सितार बजाना सीखने आए। पंडित रविशंकर ने तो 1954 से ही इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी थी। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को दुनिया भर में पॉपुलर करने का उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यहूदी मेनुहिन के साथ उन्होंने एक एल्बम की, वेस्ट मीट्स ईस्ट, जिसके लिए उन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहला ग्रैमी अवार्ड था। जॉर्ज हैरिसन, जिमी हेंड्रिक्स, जॉन कोल्ट्रेन जैसे कई म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने परफॉर्म की। उन्हें गॉडफादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक कहा गया। एक और ऐसे नाम है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जिनकी पहली इंटरनेशनल परफॉर्मेंस 1966 में एडिनबरो फेस्टिवल में हुई थी। उनके एक अमीर प्रशंसक ने उन्हें कहा था कि आप अमेरिका शिफ्ट हो जाइए, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में गंगा कहाँ से लाओगे। ये क्लासिकल म्यूजिक की बात है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन अगर बॉलीवुड म्यूजिक की बात करी जाए तो आप सब लोग जानते ही हैं कि दुनिया भर में बॉलीवुड कितना पॉपुलर है। यूक्रेन में आपको लोग मिथुन दा का गाना जिम्मी जिम्मी गाते हुए सुन जाएंगे। इसी तरह रशिया में मिथुन और राज कपूर की फिल्मों के लोग अलग ही लेवल के दीवाने थे। और अब शाहरुख खान तो एक ग्लोबल स्टार है। मास एंटरटेनर्स के अलावा आर्टिस्टिक फिल्मों की बात करें तो सत्यजीत रे, अदूर गोपाल कृष्ण और मीरा नायर जैसे फिल्म मेकर्स ने दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में भारत का नाम ऊंचा किया। और ये सब दोस्तों 2014 के पहले हुआ था। 2014 से पहले ही कई सारे इंडियंस ऑस्कर जीत चुके थे। 2014 से पहले ढेर सारे इंडियंस नोबेल प्राइज जीत चुके थे, बुकर प्राइज जीत चुके थे, रामोन मार्क्सेसे अवार्ड जीत चुके थे, ओलंपिक मेडल्स हमने जीते थे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीता था, हम सब जीत चुके थे। क्या बात कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक कहाँ ये मानने वाले हैं। उनके हिसाब से तो भारत 2014 से पहले एक बियाबान जंगल था, और मई 2014 के बाद अचानक से डंका बजने लगा दुनिया भर में। नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसे लोगों ने तो ये तक कहा था कि 2014 से पहले भारत के लोगों में कल्चरल कॉन्फिडेंस ही नहीं था। कहते हैं कि लोगों को शर्म आती थी खुद पर। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा बातों को, प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में एक्चुअली ऐसा ही कहा था। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। मतलब अगर खुद भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो मत बोलो कुछ। इस तरीके से देश के नाम को बदनाम करने की क्या जरूरत पड़ी। सच्चाई आज के दिन ये है दोस्तों कि 2022 में इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाले लोगों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। केवल एक साल में 2,25,000 से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। नवंबर 2023 में US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के हिसाब से पता चला कि केवल एक साल में करीबन 97,000 भारतीय लोग पकड़े गए अमेरिका में गैर कानूनी ढंग से एंटर करने की कोशिश करते हुए।
डंकी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is something where we are coordinating that I think is absolutely inaccurate. Actually में कैसा डंका बज रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। 2015 में टाइम मैगजीन पर ये कवर फोटो छपी जिसमें लिखा गया Why Modi Matters और इसे देखकर मोदी समर्थक खुशी से बावले हो गए। लेकिन 2019 में उसी टाइम मैगजीन ने ये फोटो छापी और इस बार लिखा इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, यानी भारत में दरारें डालने वाला। इसे देखकर अब मोदी समर्थक कहने लगे कि ये तो भारत विरोधी मैगजीन है। ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार हेरल्ड सन ने कुछ ही हफ्तों पहले एक खबर छापी थी, भारत के प्रधानमंत्री के मास रेपिस्ट के साथ लिंक्स बताए जा रहे हैं। यहाँ प्रज्वल रेवन्ना की बात हो रही थी जिसकी पेन ड्राइव में 2000 से ज्यादा औरतों के यौन शोषण के वीडियो थे और प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए वोट मांग रहे थे। ये जापान का अखबार देखिए निकेई एशिया, लिखा है कि भारत के मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने की वजह से आलोचना झेल रहे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद लिंचिंग्स की खबरें दुनिया भर के अखबारों में छप रही हैं। CBS न्यूज को देखिए, पालघर वाली खबर है कि कैसे व्हाट्सएप पर एक चाइल्ड किडनैपर की अफवाह फैली और दो हिंदू साधु और उनके ड्राइवर की लिंचिंग हो गई। 2014 से पहले क्या आपने कभी इस लिंचिंग शब्द को सुना भी था कहीं पर? न्यूयॉर्क टाइम्स में तबरेज अंसारी के मारे जाने की खबर देखिए, हिंदू स्लोगन्स बोलने के लिए मजबूर किए जा रहे मुस्लिम आदमी की भारत में हत्या। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? ये इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे, उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है, केवल व्हाट्सएप पर जो दिखाया जाता है और गोदी मीडिया जो दिखाता है बस वही सच्चा है। अब अलग अलग देशों की सरकारें क्या कर रही हैं वो डंका भी देख लीजिए जरा। लुक ईस्ट पॉलिसी फेल हो चुकी है, पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंध सबसे निचले पॉइंट पर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इनमें से कितने देशों के साथ अभी हमारे कमाल के संबंध है जरा बता दीजिए। बीजेपी के दो नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के आपत्तिजनक बयानों के कारण मिडल ईस्ट कंट्रीज से सुनने को मिला है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने सभी रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस की हिदायत दे डाली। आखिरकार इन दोनों को फ्रिंज एलिमेंट्स कहकर हटा दिया गया पार्टी से। इसके अलावा पिछले साल यूरोपियन पार्लियामेंट ने इंडिया की ह्यूमन राइट सिचुएशन पर रेजोल्यूशन पास किया और अभी 2-3 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने हमारे देश की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मान्यता को लगातार दूसरे साल स्थगित कर दिया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सांसद में कहा है कि नेहरू के भारत में अब बहुत से एमपी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस देखने को मिलते हैं। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them. अमेरिका इंडिया की डेमोक्रेसी पर अब चिंता व्यक्त कर रहा है। अमेरिका और यूएन ने CAA कानून को मूल रूप से भेदभाव वाला कहा और इस पर चिंता व्यक्त करी। रशिया ने भारत के आपत्ति दर्ज करने के बावजूद पाकिस्तान को हथियार दे दिए और अभी 5 दिन पहले रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने चाइना के जी जिनपिंग के साथ मीटिंग की है। ये सारी खबरें आपको टीवी पर नहीं दिखाई जाएंगी। व्हाट्सएप पर एक दिन आपको मैसेज भेजा जाएगा कि मोदी ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, पूरी दुनिया हमारे साथ है, लेकिन दूसरे दिन मैसेज भेजा जाएगा कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और मोदी हमें इंटरनेशनल साजिश से बचाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 1984 नॉवल के बारे में, इसमें डबल थिंक का कॉन्सेप्ट होता था। व्हाट्सएप स्टूडेंट्स इन दो कॉन्ट्रेडिक्टरी आइडियाज को दिमाग में एडजस्ट कर लेते हैं। ऑड डे है कि भाई पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और इवन डे है कि नहीं हम तो विश्व गुरु है, पूरी दुनिया हमारे साथ है। क्या आप जानते हैं असलियत में जब भारत विश्व गुरु था तो किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्रियों का स्वागत किया जाता था? जब प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे, उन्हें 19 बंदूकों की सलामी दी गई। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं आपका सत्कार करता हूं, केवल आपकी सरकार के मुखिया के तौर पर नहीं बल्कि आजाद लोगों के एक महान राष्ट्र के सम्मानित और सर्वप्रिय लीडर के रूप में भी। ये किस्मत का खेल है कि जब कोई आपके देश के लिए नया रूट ढूंढने निकला तो हमारे देश की खोज हुई। उम्मीद करता हूं कि आपका ये दौरा भी एक तरीके से अमेरिका की डिस्कवरी होगा। Prime Minister of India and the Orient's greatest political and spiritual leader flies to Washington on one of the most important state visits of recent years. ये बात है अक्टूबर 1949 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में पहली स्टेट विजिट पर गए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया।
हमारे देश की शान में उन्होंने ये शब्द कहे थे। अभी 2022 में इंडिया यूएस टॉक्स के दौरान अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी विल्कन ने इस 1949 की स्टेट विजिट का जिक्र किया था, ये कहते हुए कि यहाँ से भारत और अमेरिका के बीच फ्रेंडली और फ्रूटफुल कोऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। 1949 के बाद पंडित नेहरू 1956 की यूएस स्टेट विजिट पर जब गए थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर से मिले। इसके बाद 1961 में जब गए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मिले। इन फोटोज और वीडियोस में देख सकते हैं कैनेडी पंडित नेहरू को एयरपोर्ट पर रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। याद कीजिए कि ये कोल्ड वॉर का समय था जब दुनिया वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक में बंट चुकी थी। वेस्टर्न ब्लॉक अमेरिका के पीछे और ईस्टर्न ब्लॉक सोवियत यूनियन के पीछे। यहां हमने अपने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की यूएस स्टेट विजिट का नजारा देखा, अब उनकी सोवियत यूनियन की विजिट का नजारा देखिए। सबसे पहले सोवियत सरकार के प्रमुख श्री निकोलाई बुल्गानिन ने उनका स्वागत किया। ऐसा स्वागत आज तक किसी विदेशी नेता का नहीं हुआ। आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब इंडिया ऑलरेडी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। नॉमिनल टर्म्स में भी हमारी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी की रैंकिंग थी ऑलरेडी। इसका मतलब इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मार्केट था दुनिया भर की कंपनीज के लिए अपने साइज और अपनी बड़ी पॉपुलेशन के चलते। इसकी मदद से हमें अपनी नेगोशिएटिंग पावर मिली। लेकिन अब इमेजिन कीजिए 1950s का समय, जब आज़ादी मिले हुए कुछ ही साल हुए थे। ब्रिटिश ने हमें पूरी तरीके से लूट लिया था, बहुत ही गरीब देश था हमारा, हम खाने के मामले में भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। ऐसे समय में पंडित नेहरू को इस तरीके की रिस्पेक्ट मिलती थी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, मेक्सिको, सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस, पोलैंड, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, इंडोनेशिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, जापान, जहां जहां पंडित नेहरू जाते उन्हें लोगों से प्यार मिलता। 2018 में जापानीज ऑथर टोमियो मिज़ोकामी ने भी इसी फीलिंग को दोहराया था जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले। उन्हें पद्मश्री का ऑनर दिया गया क्योंकि उन्होंने इंडियन कल्चर को जापान में प्रमोट किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हिंदी क्यों सीखी तो बताया उन्होंने क्या कहा। जिस देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके देश की संस्कृति भाषा क्यों न सीखी जाए। टोमियो मिज़ोकामी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक बहुत बड़ा प्रभाव था दुनिया भर पर। पंडित जी गुट निरपेक्ष देशों के नेता जी थे। उन दिनों हम नई पीढ़ी ज्यादातर चाहते थे कि ना तो अमेरिका के साथ ना ही रशिया के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही प्रभाव था दुनिया भर में। गुट निरपेक्ष देशों के नेता जी थे। हम उन दिनों नई पीढ़ी चाहते थे ना रूस के साथ ना अमेरिका के साथ, इसलिए हम इन्हें एक आदर्श मानते थे विश्व शांति के लिए। यही सेम सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू तीन असाधारण युगों के व्यक्ति थे। वो अपने देश को आजाद करवाने के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के एक लीडर थे और उन्होंने गुलामी में फंसे हुए दूसरे देशों को भी लड़ने की प्रेरणा दी। दूसरे युग में उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति के लिए संघर्ष किया। इस समय गांधी जी उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनके महान रिपब्लिक के आजाद भारतीय लोग उनके साथ थे। इन वर्षों में नेहरू एक विशाल विश्व शक्ति थे जो पूर्व और पश्चिम की महान शक्तियों की उग्र शत्रुता के बीच भारत की शांति की इच्छा शक्ति को कुशलता पूर्वक स्थापित कर रहे थे। लेकिन आप सोचोगे दोस्तों कि एक गरीब देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी क्या खास बात थी, ऐसी क्या खास बात थी कि दुनिया उन्हें सुन रही थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका भी रीजन बताते हैं। दुनिया को उस समय एक ईमानदार मीडिएटर चाहिए था। यह रोल निभाने के लिए नेहरू के पास रेपुटेशन, विजडम और साहस सब कुछ था। पंडित नेहरू की ये रेपुटेशन और ये इन्फ्लुएंस उनका दुनिया भर के लीडर्स पर देखने को मिला था। साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला ने नेहरू को अपना हीरो बताया। 1940s में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की किताबें इंक्लूडिंग उनकी ऑटोबायोग्राफी बड़ी बारीकी से पढ़ी थी। उनके कई भाषण नेहरू जी की राइटिंग से कोट किए जाते थे। इनफैक्ट उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक फेमस कोट से लिया गया था, देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम एनीवेयर, और ये कोट नेहरू जी की राइटिंग्स में लिखा गया था। नोबेल प्राइज की विनर और म्यांमार की लीडर आंग सांग सूची ने एक बारी कहा था, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू वो दो इंडियन लीडर्स हैं जिनसे वो सबसे करीब महसूस करती हैं। 1955 में जब पंडित नेहरू सोवियत यूनियन के दौरे पर गए थे तो उन्होंने मॉस्को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था। उनमें से एक स्टूडेंट रशियन लीडर मिखाइल गोर्बाचेव भी थे। उन्होंने बाद में जाकर कहा कि जब वो स्टूडेंट्स थे वो बहुत दूर थे डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स को समझने में। उस वक्त का कम्युनिस्ट सोवियत प्रोपेगेंडा एक बड़ी ही ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर प्रेजेंट करता था दुनिया के स्टूडेंट्स के सामने, और स्टूडेंट्स को इस चीज पर डाउट होता था। इसी संबंध में जवाहरलाल नेहरू की मॉस्को यात्रा उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड प्रेरणा थी। वो कहते हैं कि ऐसे शानदार इंसान ने उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। तो इस सब का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, जब हमारा देश एक बहुत गरीब देश हुआ करता था तब भी पूरी दुनिया भारत की सुनती थी, और पूरी दुनिया भारत की इसलिए सुनती थी क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे। पंडित नेहरू गांधी जी की प्रिंसिपल्स को दोहराते थे। गांधी जी उस इंडिया की स्पिरिट को दोहराते थे जिसे स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिकागो की स्पीच में मेंशन किया था। दिसंबर 1958 में नेहरू ने इंडियन पार्लियामेंट में कुछ ऐसा ही कहा कि उन्होंने कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई है,
बल्कि ये पॉलिसी भारत की पास्ट थिंकिंग में इनहेरेंट है, भारत की पूरी मेंटल आउटलुक में यही पॉलिसी है, द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड के शहर में सितंबर 1961 में, जो कि उस वक्त के देश यूगोस्लाविया का कैपिटल था। लेकिन इसका ग्राउंड वर्क इससे पहले ही शुरू हो गया था, जैसे कि 1955 की बांडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में। इसे 29 सरकारों की डेलीगेशन ने अटेंड किया था, जिसमें की मोस्टली एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी। पंडित नेहरू की इस कॉन्फ्रेंस में जो स्पीच थी उसे द प्रिंट ने पब्लिश किया था एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट स्पीचेस। जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? क्या हम एशिया और अफ्रीका के देशों के पास प्रो कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट होने के अलावा कोई सकारात्मक पोजीशन नहीं बची है? हम विचारों के वो लीडर हैं जिन्होंने दुनिया को अलग अलग धर्म और विचार दिए, पर आज हम किसी एक या दूसरे ग्रुप के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, उनके हैंगर क्यों बनना चाहते हैं? किसी भी देश और वहां के लोगों के लिए ये बहुत ही शर्मनाक और अपमानजनक है। एशिया और अफ्रीका के महान देश गुलामी से निकलकर आजादी में आए हैं और अब खुद को इस तरीके से शर्मिंदा करें, ये एक बहुत ही असहनीय विचार है। नॉन अलाइन होना कोई आसान काम नहीं था दोस्तों। दोनों सुपर पावर्स की तरफ से कोशिश चलती रहती थी कि भारत को अपने खेमे में ले लिया जाए, जैसे कि पहले अमेरिका ने और बाद में सोवियत यूनियन ने इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ऑफर की थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर अपना एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो कोई बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बनकर रोटी खाना चाहता था और कोई सिर्फ भारत के मन को भांप रहा था। पंडित नेहरू का कहना था, बहुत से कारणों की वजह से इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट डिजर्व करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को खोखला करके नहीं और फिर से युद्ध की संभावना बढ़ाकर नहीं। दोनों सुपर पावर्स में से किसी एक की कठपुतली बनने की बजाय उन्होंने चुना खुद अपने एक तीसरे समूह का लीडर होना, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उनके इस एक डिसीजन का प्रभाव 9-10 साल बाद दिखा भी। अक्टूबर 1964 में नॉन अलाइन मूवमेंट की दूसरी कॉन्फ्रेंस जब हुई कायरो में, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और यूरोप के 57 अलग अलग देश अटेंड कर रहे थे। आज इसका रिजल्ट जानते हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट में अब 120 देश जुड़े हैं साथ में। इस वर्ल्ड मैप को देखिए, डार्क ब्लू मेंबर स्टेट्स हैं और लाइट ब्लू ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पर नेटो अभी भी एग्जिस्ट करता है और रशिया और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध चल रहा है, नॉन अलाइन मूवमेंट आज के दिन भी बहुत रेलेवेंट चीज है। इस तरह नॉन अलाइन मूवमेंट के चलते भारत उस समय दुनिया के लिए विश्व गुरु बना, दुनिया को एक नई राह दिखाई। एक इंटरव्यू में पंडित नेहरू से पूछा गया कि डॉक्टर वरवॉरियर्ड, जो साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपार्थाइड को एक अच्छे पड़ोसी होने की नीति कहा है, क्या आपको ये डिस्क्रिप्शन स्वीकार है? इस पर पंडित नेहरू ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इन डॉक्टर को पड़ोसी कभी नहीं बनाना चाहेंगे। Dr. Verwoerd, when he arrived, described apartheid as a policy of good neighborliness. Is that description acceptable to you? I should like to be Dr. Verwoerd's neighbor, that's all I can say. बांडुंग कॉन्फ्रेंस में पंडित नेहरू ने खुलकर अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में एक इनफाइनाइट ट्रेजेडी है, तब से जब लाखों अफ्रीकन्स को स्लेव बनाकर अमेरिका और दूसरी जगह ले जाया गया, उनमें से आधे तो जहाजों में ही मर जाते थे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और एशिया को अपने सिस्टर कॉन्टिनेंट अफ्रीका की मदद करनी चाहिए। इसी के लिए पंडित नेहरू ने अफ्रीकन्स के लिए स्कॉलरशिप्स की भी शुरुआत करी थी और 1965 में ही भारत में 55 यूनिवर्सिटीज में 600 से ज्यादा अफ्रीकन्स फेलोशिप पर पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से एक स्टूडेंट जॉन सैमुअल मेलेकिला यूनाइटेड नेशंस में टांजेनिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी बने 1964 में, और बाद में जाकर ये टांजेनिया देश के प्राइम मिनिस्टर बने। एक और स्टूडेंट ओलुसेगुन ओबासांजी नाइजीरिया के मिलिट्री हेड ऑफ स्टेट बने और 1999 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। एक स्टूडेंट थे बिंगथा मुथरिका, जिन्होंने मालावी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ज्वाइन किया और 2004 में ये मालावी के राष्ट्रपति बने। मतलब किस लेवल का इन्फ्लुएंस था यहाँ पर, समझ रहे हो इस बात को? इस तरह के एफर्ट्स के लिए किसी लीडर का विजनरी होना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज जिसकी जरूरत होती है वो है एक क्लियर कॉन्शियंस। आपने वो डायलॉग सुना होगा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यही हाल आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का बना दिया है। अमेरिका हमारी डेमोक्रेसी पर कमेंट करता है, लेकिन कभी इंडिया अमेरिका पर कमेंट क्यों नहीं करता? जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिकी पुलिस ने इतनी बेदर्दी के साथ मारा। 46-year-old George Floyd was killed by a white police officer who knelt on his neck for almost 9 minutes. His crime? Being an African-American man in the United States. और ये कोई स्टैंडअलोन इंसिडेंट नहीं था, ये रेसिज्म का इंसिडेंट था। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है अमेरिका में, लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से कोई भी आलोचना सुनी इस इंसिडेंट की? क्या उन्होंने कोई कंसर्न जताया? कैसे जताएंगे जब खुद के देश का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड सवालों में रहता है? कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत, दलितों के खिलाफ अत्याचार, किसानों पर डंडे बरसाए जाते हैं, उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है, तो किस मुंह से अमेरिका को कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री? गाजा में आज के दिन एक जेनोसाइड जारी है, 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन वही पुराने वाली है कि पैलेस्टीन और इजराइल दोनों साइड बाय साइड हों। Suddenly India has long believed in a two-state solution. We have maintained that position for many decades. लेकिन अनऑफिशियल पोजीशन ट्विटर पर आप देख ही सकते होंगे।
इनके नफरती चिंटू वैम्पायर बन चुके हैं जो नरसंहार में वॉर रुकवा दी पापा। रशिया यूक्रेन के बाद कहते हैं कि मैंने गाजा की भी वॉर रुकवा दी थी रमजान के लिए। भाई कोई पूछो इनसे, इतनी ही वॉर रुकवानी आती है तो परमानेंटली क्यों नहीं रुकवा देते इन वॉर्स को। रशिया यूक्रेन वॉर आज तक चल रही है, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर आज तक चल रही है, और मणिपुर की हिंसा की तो बात ही मत करो। दिस इज माय हंबल रिक्वेस्ट मोदी जी, मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूं। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है, बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। मणिपुर की हिंसा रुकवाई नहीं जाती, गाजा में जाकर वॉर रुकवाएंगे। अरे रुकवा दो ना फिर। जिस भी इंडियन सॉफ्ट पावर की बात करी है हमने अभी तक वीडियो में, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर, म्यूजिक या स्पोर्ट्स हो, इन सब में सरकार की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर रही है। जैसे कि ललित कला अकेडमी की स्थापना 1954 में, संगीत नाटक अकेडमी 1952 में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे 1960 में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में इसरो की स्थापना की। अब जरा बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी ने साइंस, स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए क्या किया है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की FIR लिखवाने के लिए हमारे ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहलवान सड़कों पर बैठे रहे, और जब उसको नहीं रोका जा सका तो साक्षी ने एक प्रोटेस्ट में रेसलिंग ही छोड़ दी। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मार नहीं दूंगी। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का चेयरमैन बना दिया बी ग्रेड फिल्मों के एक्टर गजेंद्र चौहान को। इस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट पायल कपाड़िया ने अभी 3 दिन पहले पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि भारत को पायल कपाड़िया पर उनके काम ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। रवीश कुमार के मैग्सेसे अवार्ड जीतने पर तो प्रधानमंत्री मोदी बधाई नहीं दे सके थे उन्हें, लेकिन अच्छा है कि उन्होंने पायल को कम से कम बधाई दे दी। ये वही पायल कपाड़िया हैं जिन्हें अपने साथियों के साथ 139 डेज तक प्रोटेस्ट करना पड़ा था, जिनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, जिनका ग्रांट रोक दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपने चाटुकार गजेंद्र चौहान को इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाना था। पंडित नेहरू तो दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से बातें करा करते थे, विक्रम साराभाई के साथ बात करते थे, और नरेंद्र मोदी नाली की गैस की चाय बना रहे हैं। एवोल्यूशन का चैप्टर सिलेबस से हटाया जा रहा है। जितना स्यूडो साइंस पिछले 10 सालों में फैलाया है इन्होंने देश में, क्या कभी ऐसा देखा गया है? इस तरीके से बढ़ेगी इंडिया की सॉफ्ट पावर? ये है इनके डंके की असलियत दोस्तों। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर पंडित नेहरू की बराबरी करनी है तो उनको नीचे खींचने की बजाय अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। ये आपके नाम के लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन उल्टा बीजेपी ने किया क्या है? पिछले 10 सालों में बार बार नेहरू को बदनाम करने की कोशिश करी है। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, ये वाला, किस किस तरीके से इन्होंने झूठी खबरें फैलाई व्हाट्सएप पर, मीडिया पर, कि ऐसा दिखा दो कि नेहरू तो एक वुमेनाइजर थे। यहाँ क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।